गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। स्मार्ट सिटी अजमेर में गड्ढे कहूं या गड्ढे में स्मार्ट सिटी अजमेर, क्योंकि अजमेर के चारों तरफ तो सड़कों की खूबसूरती ये गड्ढे ही बना रहे। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमटीटीवी इंडिया। राजस्थान का अजमेर देश के उन शहरों की सूची में शामिल है जिन्हें सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की एक ऐसी कोशिश कर रही है जिसमें स्मार्ट होता क्या है ये अधिकारियों को पता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी के दावे खूब हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर बातें भी कुछ कम नहीं होती, लेकिन शहर की सड़कों पर गुजरते वक्त जो दुर्दशा नज़र आती है उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए और अच्छे खासे इंसान की तो कमर तक टूट जाए। स्मार्ट सिटी अजमेर में ऐसी ही मोटे मोटे 8-8 इंच की गहराई वाले गड्ढे हैं जिनसे लगने वाले झटके स्मार्ट सिटी के ख्वाब में डूबे शहरवासियों के मन को हकीकत से साक्षात्कार के लिए झकझोर देते हैं। और तो और, स्मार्ट सिटी अजमेर की ये हद तो देखिए कि शास्त्री नगर से लोहागल रोड तक सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर सड़क पर सफर करने के लिए इतने गड्ढों की चुनौती से पार पाना पड़ता है जिन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गड्ढे हैं ही कुछ ऐसे, यहाँ की सड़कें ही गड्ढों में तब्दील हो गई है, तो शहरवासियों को चलना ही गड्ढों में पड़ता है, इसलिए यहाँ के गड्ढे तो गिने भी नहीं जा सकते। और इन सड़कों की बदहाली इस सच्चाई को भी सहज बयां करती है कि विकास के लिए जिम्मेदार कितने गंभीर हैं। एमटीवी इंडिया की टीम ने शहर की सड़कों की बदहाली को करीब से देखा है, गड्ढों से जूझते शहर के जनजीवन की दिक्कतों को महसूस किया है, और ये सब तस्वीर देखकर शायद जिम्मेदार पसीज जाएं कि स्मार्ट सिटी के वास्ते दुरुस्त करने होंगे रास्ते। देखिए, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। ये अजमेर के शास्त्री नगर में ही 8 इंच गहराई का गड्ढा और तकरीबन 5 फीट लंबाई का गड्ढा हो रखा है। ये लोहागल मेन रोड पर तकरीबन 4.5 फीट लंबाई का गड्ढा और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 5 इंच की है। शास्त्री नगर रोड स्थित ये लगभग 10 फीट की सड़क टूटी हुई है, इसका गड्ढा कितना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये है 8 इंच का गड्ढा। शास्त्री नगर रोड पर ये भी 8 इंच गहराई का गड्ढा और तकरीबन 8 से 9 फीट लंबाई का गड्ढा यहाँ पर भी हो रखा है। तो देखा आपने इन गड्ढों की गहराई और लंबाई को, है ना कमाल की स्मार्ट सिटी अजमेर। अब कहने को तो विकास प्राधिकरण और नगर निगम हर साल सड़कों की मरम्मत और निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों के जख्म नहीं भर पाते, बारिश में हालात और अधिक बिगड़ जाते हैं। जो सड़क कुछ महीने पहले ही बनी होती है वह भी बारिश में घुल जाती है, जो इनमें भ्रष्टाचार की ओर सीधा इशारा करती है। शहर की इस हालत के लिए विकास प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम के अधिकारियों की ठेकेदारों के साथ एक गठजोड़ सीधे तौर पर हमें जिम्मेदार नज़र आती है। खैर, अजमेर की जनता इस पूरे मामले पर क्या कहती है वो भी आपको हम सुनाते हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। अजमेर स्मार्ट सिटी का जिस तरह से बताया जाता है ये सिर्फ कागजों में है, में ही स्मार्ट सिटी रह गया, लेकिन वर्तमान स्थिति देखी जाए तो अजमेर की जगह जगह गड्ढे, सड़कें फूटी है, बारिश में तो इसके हाल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जिस प्रकार से अभी श्रद्धालु अपने रामदेवरा जा रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी आ रही है, जगह जगह सड़कें पर बहुत सारे गड्ढे रहते हैं। इस सिलसिले में मैंने भी व्यक्तिगत रूप से पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को इनको ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल टालम टोल का रवैया अपना रखा है।
पवन टाक पुष्कर। यहाँ पर काफी सारा जब से बारिश हुई है यहाँ पर ये सारे कंटिन्यू पानी बह रहा है और लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है और इससे काफी यानी कि यातायात में भी काफी यानी समस्या आ रही है। देखिए पूरा यहाँ पर पूरा जाम लगता है रोज, आए दिन गिरते रहते हैं यहाँ पे। हाँ इनमें श्रद्धालुओं को भी अभी काफी यानी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, पानी में भीग के जाते हैं वो। मेरा नाम विक्रम बारी है। जलाना वाला रूट तो ऐसा लग रहा है जैसे गड्ढों में शहर है, 8-8, 9-9 इंच के गड्ढे हो रहे हैं। प्रसूत जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, इमरजेंसी जलाना एक ही अस्पताल अजमेर जिले का बड़ा अस्पताल है, महिलाओं को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जो उनके अभिभावक हैं या माता पिता परिवार के सदस्य वो किस स्थिति में हॉस्पिटल में अपनी जो महिलाएं हैं उनको प्रसूतता वो प्रेगनेंसी डिलीवरी करवाने के उद्देश्य से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों से शायद वहां पर पहुंचना भी ऐसा लगता है शहर गड्ढे में। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में गड्ढों की जगह। स्मार्ट सिटी 4-5 साल से अजमेर स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, स्मार्ट सिटी के नाम पर लिपापोती नज़र आ रही है, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ अजमेर के अगर अपन एरिया देखें तो गड्ढे ही गड्ढे ज़्यादा मिलेंगे और मेंटेनेंस का अभाव है। अरे भाई इसकी रिपेयर करते करते थक गए, 2 बार तो रिपेयर कर दिए एक महीने में और ये खड्डा तो 3 बार हो गया है, क्या करेगी प्रशासन इसमें, कुछ कर सकती है? ये स्मार्ट सिटी बन सकती है क्या तुम्हारी नज़र में? पूरा शहर में गड्ढे हैं, ये तो मेडिकल कॉलेज के सामने है, इतना बड़ा गड्ढा होना मजाक है? 8 इंची गड्ढा है वो। आप बहुत सारे मरीजों को लेके आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई साहब, यहाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा नाम कन्हैया लाल है। जाने वाले मरीजों को इतनी परेशानी होती है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हम जा के उठाते हैं इनको, पता नहीं क्या क्या तकलीफ होती है इनको यहाँ आते हुए भी। और ये प्रशासन 5 बार रोड 6 बार रोड बना चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, आज कहो रोज डेली फोटो डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। व्हाट्सअप सब कर दिया, ये स्मार्ट आदमी, इसको स्मार्ट बोलेंगे सिटी, फिर स्मार्ट को क्या बोलेंगे फिर बताओ, ये स्मार्ट सिटी को क्या बोलेंगे बताओ आप। कितने कितने इंच के गड्ढे हैं ये? ये कम से कम 2-2, 3-3 इंच के गड्ढे हैं, 2-2, 3-3 इंच के गड्ढे हैं और ये रोड हर जगह मौजूद है, बनने से पहले बिगड़ जाती है, बनने से पहले, कभी इधर कभी इधर। आपका नाम? मेरा नाम शुभ नाम मोहम्मद रजाक।